फेब्रुआरी 2024 कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जो 11 जनवरी से 9 फरवरी तक आपको लोनलीनेस आपने फील किया, जनवरी महीने में पैसा भी बहुत खर्च हुआ आपका, हो सकता है स्टूडेंट के लिए हुआ, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए हुआ, आपके बच्चों के लिए हुआ। फेब्रुआरी महीना आपको विवाह योग, या तो ऑलरेडी मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ को ट्यूनिंग हो जाएगा। ऐसे भी मैरिड लाइफ आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल चीज है, तो कोशिश करिएगा 3 फेब्रुआरी से 26 फेब्रुआरी आपके पार्टनर को समझने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। अविवाहित लोगों का विवाह का मौका मिलेगा और बहुत बड़ा सोशल गैदरिंग हो सकता है जिसमें आपको सम्मान प्राप्त होगा। वो स्टूडेंट है उनके लिए भी बढ़िया है, मतलब आपको हो सकता है कोई अवार्ड विवॉर्ड भी मिल जाए स्टूडेंट है तो, क्योंकि पब्लिक में रिकॉग्निशन मिलने का टाइम है। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 10 से 14 बेस्ट है। बिजनेसमैन है उनके लिए पार्टनरशिप का प्रपोजल आ सकता है ये समय में, और ये 3 फेब्रुआरी से 26 फेब्रुआरी में आ जाना चाहिए पार्टनरशिप का। इस महीने में आपको केयरफुल रहने की बात है कि आपको अपना खुद का एग्जामिन करना है, सेल्फ रिलेट, सेल्फ स्टडी करना है। मोटिवेट करने की बात नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करिएगा जिसके लिए बाद में आपको शर्मिंदगी महसूस हो। 10 फरवरी से 3 मार्च में ऐसा काम, मतलब कहीं फिर बाद में ऐसा लगे कि नहीं, मैंने कुछ अपने आत्मा की आवाज नहीं सुनी। इस वक्त आत्मा की आवाज सुन के काम करिएगा। स्टूडेंट के लिए 4, 5, 12, 13, 20, 21 एंड 28 इज द बेस्ट, बढ़िया दिन है। मोहब्बत करते हैं उनके लिए 8 फरवरी बेस्ट है, आप प्रपोज कर पाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए मैंने बोला बढ़िया है महीना। 7, 8 और 9, 7, 8 एंड 9 फेब्रुआरी इज द बेस्ट डे फॉर योर मैरिज को आगे की बात करने के लिए, बढ़ाने के लिए। विवाहित है तो मैंने बोला ऐसा, आपके तो मैं शुक्र की कृपा देख रहा हूं। और 12 फरवरी से 6 मार्च तक शुक्रवारवा बहुत मजेदार, आपका दूसरे की गाड़ी में घूमने फिरने भी मिलेगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 24, 25 और 28 फरवरी बेस्ट है। 18 और 19 फरवरी को आपके घर पर पैसे की बारिश हो सकती है, छत पर, मतलब फाइनेंशियली बेस्ट डे है ये। और ये महीने में सिर्फ आपको आत्म परीक्षण करना है, कोई ऐसा काम नहीं करिएगा जिसकी वजह से आपको दुख हो खुद को। और इसके लिए आपको किसी विधवा को आप चावल दे सकते हैं, या तो शिव मंदिर में 4 किलो चावल रख के आइएगा अमावस के दिन, 9 फरवरी के दिन, क्योंकि 10 फरवरी से 3 मार्च में आपके हाथ से कोई ऐसा काम होने वाला है जिसके लिए आपको फ्यूचर में बाद में शर्मिंदगी महसूस हो, तो वो नहीं करिएगा। अपना अपना परीक्षण करिएगा। यू आर रूल्ड बाय द सैटर्न, सो आप कर पाएंगे। 9 फरवरी को विष्णु सप्त नाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।